जो साधुओं का वेश धारण करके स्वयंभू, शब्द समझना, स्वयंभू का दुरुपयोग कर रहा हूं, और सनातन के खिलाफ काम करते हैं या सनातन के बढ़ते हुए काम में रोड़ा अटकाते हैं, ये सब फर्जी है और इन्हें शास्त्रीय भाषा में काल नेमी कहते हैं। राम जी का काम करने के लिए जब हनुमान जी निकले तो ये काल नेमी रावण का राक्षस हनुमान जी को भी इसने भ्रम में डाल दिया था, क्योंकि ये जो फर्जी होते हैं भाई असली से देखने में ज्यादा सुंदर होते हैं। क्या ये शंकराचार्य जी फर्जी हैं? आपकी भाषा में बोले कई शंकराचार्य फर्जी हैं, 70 शंकराचार्य घूम रहे हैं, नहीं 70 शंकराचार्य देश में घूम रहे हैं और 4 मठ हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ, और मैंने कह रहा हूं मांग आपके द्वारा भी कर रहा हूं, इन सब फर्जी शंकराचार्यों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जी महात्माओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो भाई, जैसे हमारे यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति विदेशी सारे पे हो रही है, वैसे ही स्थिति धर्म में कुछ लोग विदेशी सारे से घुसे हुए और जो साधुता के बेस पहने हुए, जिसमें देश में बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी महात्मा घूम रहे हैं, कुछ असली महात्मा भी फर्जियों के साथ लग गए, समझ लेना, कुछ असली महात्मा भी उन फर्जी षड्यंत्रकारियों के साथ लगे, वो सनातन के खिलाफ आए दिन काम करते रहते। इसी में पिछले दिनों दिल्ली में केदारनाथ धाम की उद्घाटन हुआ, केदारनाथ धाम आज का नहीं है, लाखों साल का है, पुराना है, और स्वयंभू प्रकट वहां शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ पत्थर के रूप में वहां प्रकट हुए कुछ, और उनको पकड़ने का प्रयास किया, कथा आती है, तो उनका आधा हिस्सा वहां रह गया और आधा हिस्सा चला गया कहा नेपाल में निकला जाकर के, ठीक है ना, तो वो स्वयंभू शिवलिंग है, वो किसी ने स्थापित नहीं किया, कोई स्थापित किया तो मंदिर माना जा सकता, वो धाम है और वो स्थान है, जैसे भगवान राम के जन्म स्थान के लिए 500 साल मंदिर के लिए नहीं, जन्म स्थान के लिए ही संघर्ष हुआ, ऐसे ही केदारनाथ धाम स्थान है, वो कोई दूसरी कॉपी भा नहीं बन सकती, कुछ षड्यंत्रकारी लोग ने ये किया है, और उसमें विशेष रूप से निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद की भूमिका है, और हमने कल भी मांग की है, कल टीवी डिबेट पे भी किया, आपसे आज भी कहते हैं, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने इतना बड़ा पाप किया है, उसको बिना विलंब करे तत्काल उसको निकालना चाहिए और उसको आचार्य पद से हटाना चाहिए, तभी देश की व्यवस्था सुधर सकती है, सनातन की सुधर सकती है। आज भी मेरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजन और रविंद्रपुरी से भी बात हुई है फोन पर, हमने कहा महाराज उसको निकालो, ये साधु के वेश में सनातन के खिलाफ काम करते हैं, ये अब हम सहन नहीं करेंगे, और वो रास्ते में थे, उन्होंने कहा महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं, आप भी हरिद्वार आ जाओ, बैठकर इस पर विचार करेंगे। 228 किलो सोना गायब होने का दावा हुआ, इस पे आप क्या कहना? जो आदमी दावा कर रहा है वह आदमी न महात्मा है न तथाकथित शंकराचार्य है, वह भी विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है, झूठ बोलता है, झूठ शिरोमणि है। 220 किलो सोना सोना नहीं होता क्या? वो हीरो बनने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन मैं आज जवाब देता रहा हूं कि केवल वो झूठ शिरोमणि है, जैसे राजनीति में झूठ शिरोमणि केजरीवाल थे, ठीक है ना, सारे नेता घबराते हैं उनसे, ये धर्म के क्षेत्र में ये भी झूठ शिरोमणि बनना चाहते हैं। दूसरी पार्टी में नहीं है क्या? दूसरी पार्टी में नहीं क्या झूठ? मैंने श्रोमणी कहा, झूठे तो बहुत है, श्रोमणी कम है, पर्टिकुलर एक का नाम लिया जा रहा है आपका। तो असली नकली कौन है साधु समझा, अगर आप बोले तो जो बच्चों लोग सरस्वती विद्या मंदिर में जहर घोलने का काम, अरे आप किसकी बात कर रहे हो, दिग्विजय दिग्गी की, वो आदमी पागल हो गया है, दिवालिया निकल गया है, ठीक है, धर्म विरोधी आदमी है, राष्ट्र विरोधी आदमी है, उसकी बात
और गधे की लात बराबर है, ठीक है। गधा पूछ के लात नहीं चलाता, गधा ये नहीं देखता, देखा कभी? वैसे दिग्गी का हाल है, और वो तो दिग्गी का हाल ये है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।